आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी के नए फ़ोन की। तो स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो ये रेडमी है जो कि यहाँ पे ब्रांड दिया हुआ, इंडिया का नंबर वन फोन ब्रांड है। और ये फ़ोन के बारे में कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है। स्नैपड्रैगन जो है इसका 680 है, 600 mAh की बैटरी है। और भी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे तो यहाँ रेडमी की ब्रांड हो गई, स्नैपड्रैगन के बारे में लिखा हुआ एमएच बैटरी है, 50 MP की जो कैमरा है, उसके बाद लार्ज स्क्रीन है इसकी, उसके बाद में यहाँ पर अप टू 2 GB इन रैम है। और भी बहुत सारे इस पर विक्शन इंसर्ट दिए, और ये साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इसमें मिल जाता है आपको, जो कि बेस्ट पार्ट है। उसके बाद 10 W का चार्जर इनबॉक्स में मिल जाता है, स्प्लैश प्रूफ आपको नैनो सिम मिल जाता है, फिंगरप्रिंट, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मेड इन इंडिया ब्रांड है, तो ये खास बात है इसकी। तो अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ये हमें कैसा अंदर से दिखता है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एक सीजर की मदद से। तो अब इसको ओपन करने का टाइम आ चुका है। तो लीजिए दोस्तों, अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहा हमारा रेडमी का फ़ोन। तो कुछ इस तरीके से हमें ये मिला है। ये फ़ोन तो है जो काफ़ी साइज़ में भी बड़ी दिख रही है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रख देता हूँ और देख लेते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर क्या मिल रहा है हमें। तो इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें पिन मिल जाता है, सबसे पहले यहाँ पे पिन मिल जाता है जो कि आपको पिन यूज़ होगा सिम कार्ड को निकालने के लिए। तो ये एक पोर्शन यहाँ पर रख देता हूँ मैं। उसके साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है टाइप सी का USB केबल, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं फ़िलहाल के लिए। और साथ में आपको मिल जाता है एडाप्टर है, तो एडाप्टर को भी यहाँ पे रख देता हूँ। और क्या इसके अंदर है चेक कर लेते हैं। और तो कुछ इसके अंदर दिख नहीं रहा है, ये साइड तो कुछ दिख नहीं रहा है, और तो इसके अंदर कुछ नहीं है। तो दोस्तों बस यही है, तो यही बॉक्स है। तो ये हम अब फ़ोन अपना जो है चेक कर लेते हैं। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो मैं इसको पीछे से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में ये रहा हमारा रेडमी का फ़ोन, जो कि कैमरा की क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो अब इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका शायद ओपन करने वाला रहेगा ये रहा। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसके पावर बटन को भी हम देख लेते हैं। पीछे की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो कैमरा का है। मैंने कैमरा की वजह से इसे ऑर्डर किया हुआ था। ब्लैक कलर का फिनिशिंग है और ये जो सरफेस है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। साथ में जो सामने का अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाता है, यहाँ पर कैमरा है। बाकी ये इसे पावर ऑन करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पावर्ड बाय एंड्रॉयड MI का। तो लीजिए हमारा ये ओपन हो चुका है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं स्लाइड पे क्लिक करके, लैंग्वेजेस वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लैंग्वेज को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसको भी राइट कर लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे इंडिया कंट्री है तो इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे सेटिंग जो है वो रीजनल के हिसाब से जो है चालू हो जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर, तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्री करना होगा, एग्री करने के बाद में यहाँ पर रेड करना आएगा। और यहाँ पर आपका चेकिंग फॉर सिम कार्ड, तो सिम कार्ड तो है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं और स्किप करते हैं इस पार्ट को। और यहाँ पर अगर आपके पास वाईफाई कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड हूँ फिलहाल के लिए, इसको स्किप करता हूँ और हमारा जो यहाँ पर ये चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप रीड कर सकते हैं और नीचे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर सेट अ पासवर्ड और फिंगरप्रिंट, फिलहाल के लिए इसको स्किप करते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। और ये एग्री किया हमने। एग्री करने के बाद आपको जो वाला भी यहाँ पर फ्रेम चूज़ करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये फ्रेम पसंद आया तो मैं ये वाला सिलेक्ट करके यहाँ पर आगे मूव करता हूँ और इसको लोडिंग कर लेता हूँ। तो जो हमारे ऐप्स हैं वो यहाँ पर लोड होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा सेटअप प्रोसेस जो है वो चालू हो चुका है। तो हमारा सेटअप प्रोसेस भी यहाँ पर चालू हो गया है और हमारे जो ऐप्स हैं वो यहाँ पर लोड हो चुके हैं। तो अपना फ़ोन जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। तो लीजिए हमारा फ़ोन जो है वो इस तरह से चालू हो गया दोस्तों। तो मैं इसे आपको एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से स्मूथ है, देखिए बहुत ही स्मूथ चल रहा है। और भी यहाँ पे अगर हम साइड में जाएं तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको कुछ एप्लीकेशन है जो मिल जाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या नोट हो गया।
तो आई थिंक ये सब थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है इसमें इन एप्लीकेशन को कमीशन मिलता होगा, तो डीओ, फेसबुक, ये सब एप्लीकेशन इसमें ऑलरेडी आपको मिल जाता है। बाकी इसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह अगर हम देख ले, तो इसको मैं अगर ओपन कर लूँ तो यहाँ पर कुछ कैमरा का एग्री करने के लिए आता है, तो मैं इसे एग्री कर लेता हूँ और वाइल यूजिंग ऐप। तो ये देख लेते हैं, ये कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, प्रो मिल जाता है, वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटोज ऑप्शन, पोर्ट्रेट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर जो है इजीली अवेलेबल है। साथ ही में यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी फ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई भी इसमें लैगिंग वगैरह नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है। और फिनिशिंग वगैरह जो है यहाँ पर, जो इसकी साइड की बात, तो यहाँ पर एक आपका स्लॉट मिल जाता है, तो इसमें आप जैसे पिन इंसर्ट करेंगे इसमें पिन करके आप कर सकते हैं, ईयरफोन वगैरह डाल के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर बटन, तो ये आपका पावर बटन है, और यहाँ पर जो है वॉल्यूम आप अपना जो है यूज़ कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको मिल जाता है ऑडियो जैक, यहाँ पर आप अपने चार्जर को इंसर्ट कर सकते हैं, और ये आपका जो है स्पीकर है। और पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक लेबल मिल जाता है, और कैमरा जो है कुछ इस तरह से दिखता है। काफ़ी फ्लैट किस्म का फ़ोन है और ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी पतला है स्क्रीन, जो इसका डिस्प्ले जो है काफ़ी पतला है, इसकी जो साइज़ है काफ़ी पतली है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी टफ मटेरियल भी है, तो ये चीज़ मुझे इसका जो है पसंद आया इस फ़ोन का। बाकी इस फ़ोन के बारे में आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताना, ये फ़ोन मुझे तो काफ़ी वैसे पर्सनली पसंद आया तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए ताकि और भी ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।